खाने का इतना जोश, कुर्सी टुकड़े टुकड़े हो गई है। कहीं इसका पांव है, कहीं इसकी टांग है, तोड़ दिया आप लोगों ने। अब दोनों जोड़ लो, अब जोड़ने में जो जल्दी जोड़ लेगा उसकी हो जाएगी। बहुत अच्छा है जी। मैं तो ये मेरा गाना रफी साहब ने हमें एक तोहफा दिया था जी, वो आज तक हम उसके साथ चल रहे हैं। मतलब 75-76 का गाना रफी साहब ने जान डाल दी। जो हमारे कोरियोग्राफर थे उनसे मैंने कहा आप मुझे करने दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो आप बताइए जो करना है। वो कुछ कहते थे 1, 2, 3, 4 एक स्टेप ले लो। मैंने कहा अगर 2 स्टेप ले लूँ तो क्या है। और फिर जो मैं उसमें वो टैप डांस भी किया बहुत लेकर, मैं खुल के किया, वो रिदम नहीं छोड़ी और कैरेक्टर नहीं छोड़ा। हो जाए तालियां। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। तालियां फॉर द लिविंग लेजेंड धर्मेंद्र जी सर, आपके जैसा कोई ना था ना है और ना होगा। लव यू सर। मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फांकने लगा। कई बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कॉलेज के एनुअल डे में हो गई। पापा वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है। उसका ख्याल कर लेते, आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। उस रात मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए मेरा बदलना बार बार टलता रहा। वो अपने शौक कैसे पूरे करता जो तेरे सपनों के हवन कुंड में आहुति बन के जलता रहा। वो मुझे दुख है कि उसने तेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया, तेरा दिल तोड़ दिया। पर क्या कहूं, जिस दिन उसने तेरी उंगली थामी उसी दिन अपनी कलाई की ओर देखना छोड़ दिया। क्या बात है।
रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा आप इतने क्यूट हो और इतने स्वीट हो, और मैंने सुना है कि आप एक्सट्रीमली मल्टी टैलेंटेड हो. ना मैं गा सकती हूँ, ना मैं आपकी तरह डायलॉग डिलीवरी दे सकती हूँ. आई विश मैं 7 ईयर्स इस एज में आपकी तरह टैलेंटेड होती. बहुत बहुत सुंदर गाया आपने, और ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि 7 साल की लड़की गाना गा रही है. आपकी वॉइस में इतना मैच्योरिटी है. बहुत बहुत सुरीली आवाज़ है. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तुम्हारी आवाज़ सुन के बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा भी लगा. मैंने सुना आप एक्टर भी बनना चाहती हैं. हाँ जी. और आप रैंप वॉक भी, मॉडल भी बनना चाहती हैं. और आप डांस भी करना चाहती हैं. तो मतलब अगले 10 साल में बाकी एक्ट्रेसेस जो करना चाहती कर ले, फिर आप आ रही और आप सब कुछ करने वाली बेसिक. हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया. जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी मैं तेरी. हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी. न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना. क्या बात, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया. कलंक नहीं इश्क है काजल पिया. पिया 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 रे प्यारे.
कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। मैं तेरा 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 मैं गहरा तमस तू सुनहरा सवेरा मैं तेरा मैं तेरा चमकता मैं जंगल घनेरा मैं तेरा पिया मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा ओ मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा ओ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.